सूर्या से गद्दारी कर मुंबई इंडियंस से जुड़ गए रोहित, तो सूर्या ने गुस्से में कर दिया बड़ा ऐलान। रोहित के बाद अब सूर्या कांड में फंस गई मुंबई इंडियंस। नीता अंबानी को जिसका डर था वही होगा, टेंशन में हार्दिक पांड्या। तो क्या है खबर की पूरी जानकारी, किस तरीके से सूर्या से गद्दाई कर मुंबई इंडियंस से रोहित जुड़ गए हैं और इसके बाद सूर्या ने बहुत बड़ा बवाल और बखेड़ा खड़ा कर दिया है, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। अगर आप भी हैं मुंबई इंडियंस के फैन तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आईपीएल 2024 की शुरुआत होने वाली है और आईपीएल का पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच चेन्नई के चेपॉक मैदान पर खेला जाने वाला है। लेकिन दोस्तों इस मुकाबले का इंतजार तो हर कोई कर रहा है, पर एक और ऐसा मुकाबला है जिसका इंतजार हर एक भारतीय क्रिकेट फैन कर रहा है और वो मुकाबला है गुजरात टाइटंस बनाम मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला। क्योंकि इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस के बीच जो बवाल पिछले दो महीने से सोशल मीडिया पर चल रहा था उसको यहां पर आप फील्ड पर होता देख सकते हैं। दरअसल दोस्तों आईपीएल 2024 के स्टार्ट में ही यहां पर खबरें आ रही थी कि यहां पर रोहित शर्मा को कैप्टनसी से हटाया जाएगा और यहां पर जब ऑक्शन हुआ उसके पहले ही मुंबई इंडियंस ने अपने नए कप्तान हार्दिक पांड्या का ऐलान कर दिया। हार्दिक पांड्या कप्तान हो गए और रोहित शर्मा को हटा दिया कैप्टनसी से और इसके बाद सोशल मीडिया पर एक तगड़ा बवाल चला। बवाल में दोस्तों कई बड़े खिलाड़ी रोहित शर्मा के सपोर्ट में आ गए, जैसे जसप्रीत बुमराह हो गए और सूर्य कुमार यादव हो गए। सूर्य कुमार यादव ने तो यहां तक कि मुंबई इंडियंस की टीम से बगावत कर दी थी कि अगर आप रोहित को कैप्टन नहीं रखोगे तो मैं किसी और को कैप्टन मानने से इंकार करता हूं, मैं टीम में बनूंगा ही नहीं और खेलूंगा ही नहीं। रोहित के इतने सपोर्ट के बाद यहां पर दोस्तों सबको लगने लगा कि रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव के साथ मुंबई इंडियंस छोड़ने की तैयारी में है। लेकिन दोस्तों अचानक एक बड़ी खबर आई और बड़ी खबर में यह पता चला कि रोहित शर्मा हार्दिक पांड्या के कप्तानी में खेलने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। ये बात देखने के बाद शायद सूर्य कुमार यादव का दिल पूरी तरीके से टूट गया, क्योंकि अगर आप हाल ही में सूर्य कुमार यादव को देखोगे तो अभी तक वो मुंबई इंडियंस के कैंप से जुड़े नहीं है। आखिरकार वो चोटिल तो हुए हैं, भले ही वो चोटिल हैं दोस्तों, लेकिन उसके बावजूद भी सवाल ये उठता है कि वो अब तक मुंबई के कैंप में जुड़े क्यों नहीं, क्योंकि अभी तक उनकी हालत ठीक हो जानी चाहिए थी, चोट बहुत मामूली सी थी। अब ऐसे में दोस्तों सोशल मीडिया का एक पोस्ट वायरल होता है जिसके बाद अटकलें काफी ज्यादा गर्म हो गई हैं, अटकलों का बाजार। दरअसल दोस्तों आईपीएल 2024 के शुरू होने से पहले ही सूर्य कुमार यादव ने अपने इंस्टाग्राम पर एक ब्रोकन हार्ट की इमोजी शेयर की है। ब्रोकन हार्ट की इमोजी में आप देख सकते हो कि उन्होंने दिल तोड़ा इमेज डाला है, जिससे कंफर्म हो गया है दोस्तों कि सूर्य कुमार यादव बिल्कुल भी मुंबई इंडियंस के टीम मैनेजमेंट से खुश नहीं है। न केवल मैनेजमेंट बल्कि वो रोहित शर्मा से भी पूरी तरीके से खुश नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनको लग रहा था कि रोहित शर्मा मुंबई के साथ नहीं जुड़ेंगे, पर रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के साथ जुड़ गए हैं, जिससे बवाल ये हो रहा है कि अब रोहित शर्मा के मुंबई से जुड़ जाने की वजह से सूर्य कुमार यादव यहां पर दोस्तों पूरी तरीके से दिल टूटी इमोजी डालकर ये बता रहे हैं कि अच्छी बात नहीं, आपको मुंबई इंडियंस के साथ नहीं जुड़ना चाहिए था, अगर आपने मेरे साथ मिलकर बगावत की थी तो इस बगावत को और दूर तक ले जाना चाहिए था। अब सूर्य कुमार यादव के इस ट्वीट के बाद या इस शेयर के बाद सोशल मीडिया पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर बवाल यह छिड़ गया कि क्या रोहित शर्मा अब यहां पर मुंबई इंडियंस छोड़ सकते हैं। लेकिन हाल ही में खबर आई कि मुंबई इंडियंस के कैंप में रोहित शर्मा जुड़ गए हैं और उन्होंने प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दी है। इससे पता चल गया है दोस्तों कि सूर्य कुमार यादव को अब अकेले ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी, रोहित उनके साथ नहीं है। अब आप किस पर क्या राय है कॉमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।